दिल्ली से पटना पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री और आरएलएसपी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि अभी महागठबंधन से बातचीत हो रही है, जल्द ही सीटों का बंटवारा हो जाएगा। उनकी माने तो सीट शेयरिंग में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने कहा कि महागठबंधन के सभी घटक दलों का पूरा सम्मान है और आगे भी रहेगा। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि महागठबंधन में सीटों का ऐलान जल्द किया जाएगा, अभी एक हफ्ते का वक्त है। वहीं नामांकन प्रक्रिया शुरू होने की बात पर उन्होंने कहा कि फर्स्ट फेज का नामांकन की सीट शेयरिंग से कोई लेना देना नहीं है। उनकी माने तो जल्द ही महागठबंधन के सभी दल बैठकर आपस में सीटों का बंटवारा कर लेंगे। उन्होंने कहा कि एनडीए से हमारी तुलना नहीं करें, जीत तो महागठबंधन की ही होगी। लोकसभा चुनाव को लेकर जेडीयू बिहार के प्रत्याशियों की सूची होली के बाद जारी करेगा। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने कहा कि पार्टी होली के बाद अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा करेगी। खबरों के अनुसार वशिष्ठ नारायण सिंह ने सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की और मुलाकात के बाद घोषणा की। इसके साथ ही वशिष्ठ ने यह भी कहा कि हमारी कोशिश होगी कि एक साथ सभी उम्मीदवारों के नाम की घोषणा हो। मालूम हो कि बिहार में एनडीए के बैनर तले जेडीयू बीजेपी का 17-17 और एलजेपी का 6 सीटों पर चुनाव लड़ना तय है। इससे पहले दिल्ली में भी एलजेपी के उम्मीदवारों का नाम का ऐलान टल गया था। एलजेपी के संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद चिराग पासवान ने कहा कि हमारी पार्टी ने प्रत्याशियों के नाम तय कर लिए हैं, लेकिन गोवा के सीएम के निधन के कारण घोषणा टल गई है। नवादा जिले में होने वाले प्रथम चरण के लोकसभा चुनाव को देखते हुए सीमावर्ती इलाकों में पुलिस द्वारा नक्सलियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। रजौली में चोरडीहा जंगल में जारी मुठभेड़ के दौरान एक नक्सली को जवान ने मार गिराया है, साथ ही मौके से एक राइफल भी बरामद किया गया है। एएसपी अभिमान कुमार आलोक के नेतृत्व में चलाया जा रहा सर्च ऑपरेशन अभी जारी है। एएसपी अभियान ने बताया कि लोकसभा चुनाव में शांति व्यवस्था कायम रखने व मतदाताओं को किसी तरह की कोई दिक्कत न हो, इसको लेकर सीमावर्ती इलाकों में नक्सलियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। एएसपी अभियान ने बताया कि रजौली के चोरडीहा जंगल में कोबरा बटालियन के साथ अभियान चलाया जा रहा है। इसमें मुठभेड़ के दौरान एक नक्सली भी मारा गया है। नक्सली के शव के साथ राइफल भी बरामद किया गया है। उन्होंने बताया कि इसके पूर्व कोआकोल जंगल में सर्च ऑपरेशन जमुई गिरिडीह जिलों के साथ मिलकर चलाया गया है। लोकसभा चुनाव 2019 के पहले चरण के लिए नामांकन 18 मार्च से शुरू हो गया है। पहले चरण में औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई लोकसभा सीटों पर चुनाव होना है। आज पहले दिन सिर्फ एक प्रत्याशी ने नामांकन दाखिल किया है। बता दें कि इस चरण में नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 25 मार्च होगी। इसके बाद नामांकनों की जांच 26 मार्च को होगी, जबकि उम्मीदवारों द्वारा नामांकन वापस किए जाने को तारीख 28 मार्च तक होगी। इस चरण के लिए 11 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। अक्षरा सिंह का स्टेज शो रद्द हो गया है। औरंगाबाद डीएम ने शो की परमिशन कैंसिल कर दी है और कहा कि अक्षरा सिंह के शो में भीड़ बेकाबू हो जाती है। अभी देश के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आदर्श आचार संहिता लागू है। खबरों के अनुसार डीएम का कहना है कि ऐसे में एक जगह पर बड़ी भीड़ मैनेज करना आसान नहीं होगा, हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, इसलिए 23 मार्च को शो करने की परमिशन नहीं दी गई है। आपको बता दें कि इस शो की तैयारी काफ़ी पहले से की जा रही थी, लेकिन अब ये फिलहाल रोक दिया गया है। हालांकि अक्षरा गया में शो करने वाली हैं, जो इन दिनों लखनऊ में फिल्म लैला मजनू की शूटिंग कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।